हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, आपका आईटीआई गुरु, फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई बात लेके। क्योंकि इन लॉकडाउन की वजह से हमारी रूबरू बातचीत हो नहीं सकती है और बहुत सारे बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी की या फिर गलतफहमी की वजह से अपना करियर अच्छी तरह से नहीं बना सकते। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जो आईटीआई के बच्चे आठवीं करके ज्वाइन हुए हैं उनको दसवीं कक्षा का दाखिला ऐसे ही मिल जाता है, वो सीधा ग्यारहवीं कक्षा में ज्वाइन हो सकता है। और जो बच्चे दसवीं कक्षा पास करके आए हैं वो लोग डायरेक्ट कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हैं, उनको बारहवीं कक्षा के समकक्ष गिना गया है, उनका इक्विवेलेंट गिना गया है, वो उनके समान ही है। तो वो जानकारी उनके पास नहीं होती है और उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है और वो लोग यहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वेबसाइट है और ये पूरा का पूरा विवरण जो दिया गया है वो, और हमारे बहुत सारे सुपरवाइज़र जो नए आए हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप के, उनको भी शायद ये मालूम नहीं है कि इनकी प्रोसीजर क्या है और कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई सेकंड क्लास वायरमैन क्या है। सेकंड क्लास वायरमैन अगर किसी को बनना है तो वो उसको अगर 6 माह से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास या किसी शॉप में जाके उन्होंने काम किया है तो उनका एक कॉ फॉर्म आता है, उनमें वो अगर सबमिट करेंगे तो वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं तो उसकी भी बात करेंगे। मगर मेन जो बात हमारी है वो आईटीआई के बच्चों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, तो उन बच्चों को उसमें से मुक्ति मिलती है। तो ये क्या है सेकंड क्लास वायरमैन? तो दोस्तों, जैसे हम आरटीओ में जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और अपना लाइसेंस निकालते हैं ताकि हम रोड के ऊपर अपना व्हीकल चला सके, ऐसे ही किसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर इंडस्ट्रियल या कोई भी प्रकार का वायरिंग हो तो उस वायरिंग को रिपेयरिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए वायरमैन जो है वो भी लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, उसको भी अपना एक लाइसेंस होना चाहिए। वो बिना लाइसेंस के वो काम नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके भी कुछ रूल्स निकाले हैं कि उन बच्चों को वो लाइसेंस लेना है। जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं वो ठीक है, पर आईटीआई वालों को उसमें मुक्ति मिलती है। तो कैसे मुक्ति मिलती है वो बात करेंगे। तो मुख्य विद्युत निरीक्षक की कचहरी है ना, विद्युत शुल्क समाहर्तानी कचहरी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का लाइसेंसिंग जो बोर्ड है वो उसको सर्टिफाइड करता है और उसको मुक्ति देता है। तो उनकी एक प्रोसीजर करने के बाद उनको उसका लाइसेंस मिल जाता है बिना किसी एग्ज़ाम में अपीयर किए हुए। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ ये वेबसाइट का भी नाम दिया हुआ है CEICED.gujarat.gov.in। इस पे हम अगर जाएंगे तो मैं आपको पहले से ये बात बता दूं ताकि जब हम वहाँ पे जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म वगैरह लाइसेंस वगैरह दिया गया है। तो बाकी की बाद में बातें करेंगे। पहला सुपरवाइज़र का एग्जाम्पशन है, दूसरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पशन है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्म वगैरह है। हमें जाना है वो वायरमैन एग्जाम्पशन पे जाना है क्योंकि वो आईटीआई के बच्चों को मिलता है। और अगर किसी को एग्ज़ाम देके वो सर्टिफिकेट चाहिए तो उनके लिए वो लास्ट में है सुपरवाइज़र वायरमैन एग्जाम्पशन का जो फॉर्म है। और मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो डाउनलोड के लिए रखी गई है वो जिप फाइल रखी गई है, आप अगर मालूम है तो ठीक है, वरना जिप को अनजिप करने के लिए भी एक प्रोग्राम आता है। आप अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी जानकारी रखी गई है। चलिए अब हम वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और यहाँ जाएंगे, हमारा गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो हमको ये बातें देखने को मिलेंगी। तो हमने वहाँ पे वेबसाइट रखी थी,
गुजरात की लाइसेंसिंग बोर्ड, लाइसेंसिंग तो मैं अभी उसको डेस्कटॉप साइट से मोबाइल साइट पे ले लेता हूँ ताकि हम आसानी से उसको ढूंढ सके और आसानी से हमको मिल जाए। तो ये है CEICED इंग्लिश वर्जन ऑफ CEID गुजरात स्टेट पोर्टल। ये पोर्टल को हमें ओपन करना है। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा व्यू आ जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था। वहाँ जाके हमें वायरमैन एग्जामिनेशन उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमको पूछेंगे कि वायरमैन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं करता हूँ। तो ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, फिर गूगल प्ले में जाना है और वहाँ जाके आपको ज़िप करके एक एप्लीकेशन आती है, तो वो ज़िप को ये विनज़िप ज़िप अनज़िप टूल ऐसा करके ये एप्लीकेशन आती है, उसको मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत बार उसका यूज़ करना पड़ता है। तो हम आप जब उसमें ओपन करेंगे तो ऐसे आएगा और हम उसमें जाके ये जो अपना ज़िप फोल्डर हमारा आया है वहाँ से तो उसको हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये ओपन नहीं होता है। तो हमारे सामने ये आ गया है पूरा का पूरा विवरण वायरमैन एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको उसकी एक मुकर्रर की हुई फ़ी भरनी होती है लाइसेंसिंग बोर्ड की कचहरी को। तो उसका एक चलन का सैंपल दिया गया है, वो आप PDF फॉर्मेट में है। तो आप PDF की जो आपकी एप्लीकेशन है उनके मदद से वो खोल सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसका जो हेड है वो गलत अगर डाल दिया तो वो लोग नहीं सबमिट करेंगे। तो 0043 टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी 8001 अदर रिसिप्ट एंड एग्जामिनेशन फी एंड लाइसेंस फीस, इसके हिसाब से ही आपको पे करना है। याद रहे, इसमें आपको पे करना है आपकी जो फीस है लाइसेंस की। ऐसा एक चलन का फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको आगे पीछे भरना है, यहाँ पे विगत देनी है और यहाँ पे अपना डिटेल सबमिट करना है। तो ये हमने देख लिया चलन, उसको कैसा भरना है वो आप किसी ITI में या फिर किसी के क्लर्क के पास जाएंगे तो भी वो आपको बताएंगे। और जो ये है उसमें वायरमैन का जो लाइसेंस है उसका एक फॉर्म वो कवर दिया गया है। तो कवर पे आपको ऐसे करना है, तो कवर करके आप अपना फॉरवर्डिंग लेटर उसके साथ जोड़ के यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कवर दिया गया है कि आपको क्या करना है। और ये उसका मेन फॉर्म है, वो फॉर्म आप जेरोक्स भी कर सकते हैं, इनमें से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और कहीं आपके दोस्त के पास है तो बहुत सारी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसमें हालांकि कोई सीरियल नंबर नहीं दिया गया है। तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, पहले अपनी सरनेम, फिर फादर नेम और वो इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे दिया गया है अटक नाम अने पितानु नाम, फिर आपको एड्रेस देना है और आपकी जन्म तारीख और उम्र देना है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल सर्विस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड जॉइनिंग, इतने लोगों को ये सर्टिफिकेट मुक्ति मिलती है। उनको एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, ITI के इतने सारे जो ट्रेड है उनको नहीं देनी पड़ती है। उनको उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग ली है उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ दिखाना है, कौन सी ITI से ली है वो दिखाना है, और उन्होंने जो चलन 200 रुपये का भरने का है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है कि वो कौन सी तिजोरी में या फिर बैंक में उसने जमा किया है।
और आईटीआई उसने कौन से स्टेट में की है। फिर आपको ये अपना एक डिक्लेरेशन देना है कि भाई मेरे पास ऐसा कोई स्टेट का सर्टिफिकेट या परमिट नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह सब डिक्लेयर करना पड़ता है, और इसके साथ जुड़ने के जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है उसमें किसी भी आप अपनी स्कूल में जो पढ़ते हैं तो वो भी आपको सर्टिफाई कर देंगे तो चलेंगे, या फिर आईटीआई में जाके भी कर सकते हैं। कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो आपको पहचानता हो वो आपको ये सर्टिफाइड कर देगा। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपको जो फीस भरनी है वो कैश में नहीं दी जाएगी, आपको चलन से ही दी जाएगी। और इस फॉर्म जो हम सामने देख रहे हैं उसमें उसको साइन करना देना है, और उसके साथ अपना पासपोर्ट साइज़ के दो कलर फ़ोटो देनी है, जो कलर फ़ोटो के पीछे अपना नाम लिख के वहाँ पे भी गजेटेड ऑफिसर के पास आपको वेरीफाई करना है कि भाई मैं फला फला आदमी हूँ और ये मेरी आइडेंटिटी है। और ये सब आपको स्टेपल करके मैंने जो कवर दिखाया है वहीं पे डाल के उसमें अंदर डाल के आपको उस पे भेज देना है, तो थोड़े ही दिनों में आपको वहाँ से अपना लाइसेंस और अपना सर्टिफिकेट की कॉपी मिल जाएगी। तो आज हमने बात की कि वायरमैन का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल सकता है और आपके कैसे मुक्ति मिल सकती है। अगली बार हम सुपरवाइज़र के बारे में और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में उनसे भी उनकी भी बातें करेंगे। फ़िलहाल तो आज इतने ही ट्रेड के लिए हमने बात की है कि उनको वायरमैन सेकंड क्लास से मुक्ति कैसे मिलती है। हालांकि मैं जब आईटीआई में था तो ये फॉर्म पूरा का पूरा जेरोस्ट करके तैयारी रखता था, और आईटीआई के जब बैच ख़त्म हो जाए तो बच्चों को ये कंप्लीट करा के उसको भेज देता था। तो मेरा सुपरवाइज़र और आईटीआई से इंस्ट्रक्टर से भी अनुरोध है कि आईटीआई का बच्चा जब ख़त्म करे तो ये फॉर्म उसको डायरेक्ट कर देना है, ताकि आईटीआई का जो पास आउट हो जाए तो उसको एक ही सर्टिफिकेट उसके बाद जोड़ना है, बाकी का सब एलसीवी उसका फ़ोटो उसका फॉर्म और ये सबमिशन करने के लिए पूरा का पूरा सेट तैयार करके रखना है। जब उसका रिजल्ट आ जाए तो उसी दिन उसको ये सबमिट करके भेज देते हैं, तो 15 दिन 20 दिन में महीना दिन में वहाँ जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से वहाँ देरी लगेगी, वरना ये सर्टिफिकेट आ जाएगा और बच्चों को परेशानी नहीं होगी। और बच्चे को भी मालूम नहीं होता है, वो जब अप्रेंटिस ज्वाइंट कर लेते हैं उसका पूरा होने लगता है तब वो लोग वहाँ से मांगते हैं, तो वो लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके सब आंसर दूंगा। आप अपने बारे में बताइए, आपको कौन सी दिक्कत है वो बारे में बताइए, मैं हर रोज़ यूट्यूब देखता रहता हूँ। तो आपको अगर कोई उसमें कठिनाई है कोई मुश्किली है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, जितेंद्र धोड़किया चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।